अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों को प्यार भरा सलाम। आप सब कैसे हैं? सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ एक सिंपल सी तहरी बना रही हूँ। मौसम चेंज हो चुका है तो खानों की वैरायटी भी चेंज हो जाती है और बनाने में बहुत मज़ा भी आ रहा होता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पैन रखा। पैन के अंदर मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल डालकर 3 छोटे छोटे प्याज स्लाइस में काट के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये फ्राई होंगे तो फिर इसके अंदर मैं सारे मसाले डालूँगा। उसके लिए मैं क्या किया, मैंने आलू, एक बड़ा आलू लेके मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया ताकि ये पकने में आसान हो। एक गिलास मैंने चावल लिए हैं, एक मैंने बड़ा सा आलू ले लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मटेरियल वगैरह में आलू आते हैं। तो क्या होता है, उसको एक भी काट दो ना छोटे छोटे पीस में तो बहुत ज़्यादा उसमें बरकत हो जाती है। और इसके लिए क्या क्या मसाले चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जैसे प्याज फ्राई कर रही हूँ ना, इसके साथ मैं क्या करूँगी कि 1 टेबल स्पून मैंने जीरा डाल दिया खुशबू के लिए और 8-10 काली मिर्चें, ठीक है, बहुत कम मसाले, ज़्यादा नहीं है, मगर चटपटा सा बनाना चाहिए ताकि बच्चे उसको खुशी खुशी खाएं। और इसके साथ मैं क्या करूँगी, दही का रायता बना दूँगी बच्चों के लिए। तो जो मैंने बनाए भी हैं बहुत दफ़ा, मैं आप बनाऊँगी तो अपने चैनल पर भी दूँगी। तो ये देखिए प्याज हाफ डन हो गई है, ये देखिए। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स करना है, मुझे डालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा सा ये देखिए, बस बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया प्याज। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, ये देखिए बस एक चम्मच काफ़ी रखें, ज़रा सा काफ़ी पानी बस। तो बनाऊंगी और इसके साथ मैं आलू डाल दूँगी ताकि आलू भी साथ साथ मेरे भूनते जाए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और रस बच जाएंगे सारे मसाले के अंदर। अब इसके साथ साथ मैं इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट डालूँगी। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये देखिए ये 3-4 मैं करी पत्ता डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, ताकि इसमें खुशबू आए आलू के मसाले में। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, इसमें मैंने 2-3 ये देखिए लौंग भी डाल दी मैंने, ये तो साबुत मसाले तो हो गए। अब मुझे 1 तेज़पत्ता डालूँगी मैं, ये देखिए अच्छा एक छोटा सा ही दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया मैंने। ये सब डाल के मैं इसको चलाती हूँ और आज मैं इसमें टमाटर नहीं डालूँगी, आज मैं इसमें टमाटर प्यूरी डालूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून देखिए हल्दी के डाल दिए मैंने, अच्छा 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का डाल दिया, 1.5 अच्छा ये धनिया पाउडर है, ये 1 चम्मच डाल दिया मैंने, ठीक है, और गरम मसाला आपके इसको 1/4। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भून लूँगी। मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया, पैन में 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल के 1 प्याज 3 प्याज छोटी छोटी थी उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। जब प्याज फ्राई हो गई अच्छी लाइट गोल्डन हो गई तो मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 1-2 सेकंड चला के मैंने इसमें सारे ड्राई मसाले, मैं साबुत गर्म मसाले में 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 8-10 काली मिर्चें, 3-4 लौंग और 1 सफ़ेद ज़ीरा का स्पून डाल दिया मैंने। वो सब डालने के बाद फिर मैंने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले, क्या क्या, 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी, 1 टेबल स्पून 1 स्पून 1.5 स्पून रेड चिली डाल दिया मैंने, 1 चम्मच धनिया का डाल दिया, 1/2 स्पून मैंने इसमें गर्म मसाले का डाल दिया और 3-4 मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी और ये डाल दिए। अब इसके अंदर ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ 1-2 सेकंड में, इसको चम्मच से चला के 5-10 मिनट के लिए मैं आलू को बनाऊँगी, ठीक है। जब आलू थोड़े से हाफ डन हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं चावल मिक्स करूँगी। अब मैं मगर इसके अंदर ये देखिए कि मैंने प्यूरी है टमाटर की वो थोड़ी सी मैं डाल दी हूँ, मैंने टमाटर नहीं डाली इस दफ़ा काट के, मैंने कहा इस दफ़ा ऐसे बनाते हैं प्यूरी के साथ, ये देखिए
अब ये इसमें पानी डाल के मैं आलू को थोड़ा सा गला लूँ। अब और नमक नहीं डाला मैंने, मैं नमक डालती हूँ उसके अंदर। देखिए ये अपने हिसाब से डाल दें, ये देखिए इसको ढक्कन लगा देंगे और ये 10 मिनट तक ये बनेंगे। फिर 10 मिनट के बाद मैं बताती हूँ कि मैं फर्दर इसमें क्या और करती हूँ। अब देखें ये आलू गल गए थे, मैंने इसमें पानी डाला है और अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे हैं ये तहरी बनती है। हल्का मसाला है, आप ज़रूर बनाइएगा। और आपका क्या एक ही फेवर हमारे लिए है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत, ये आपका प्यार है मेरे लिए। और मैं इसी तरह से आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपियाँ रेसिपी बनाऊं, शेयर करूं और आप भी इंजॉय करें कम लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखिए अगर जैसे ही ये चावल दम पर आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस शक्ल के बने। ये देखिए अब ये मैंने चावल भी डाल दिया इसके अंदर। अब देखिए मैंने चावल बनाने के रखे थे, 15 से 20 मिनट लगे चावल में दम आने के लिए। अब मेरे चावल तैयार हो गए थे, मैं आपको दिखाती हूँ किस शक्ल में आए। ये देखिए खिले खिले से हैं बिल्कुल। ये देखिए ये देखिए ये देखिए बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये आलू की तहरी बिल्कुल सिंपल बनाई मैंने। इसमें मटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला। अब ये दम पे आ गए हैं तो मैं चूल्हा बंद करती हूँ और एक बार फिर प्यार मोहब्बत के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। आपका प्यार यही है। अल्लाह हाफिज़।